रात का समा सी। बाबा जी अपने तख्त पोत ते बैठे प्रभु का सिमरन विच जुड़े हुए सन। आले दुआले बैठे कुछ श्रद्धालु गुरु गुरु कर रहे सन ते कुछ दर्शना च लीन सन। संगत विच ही एक आदमी बैठा सी जिसने दाढ़ी नू रंग लाया होया सी। बाबा जी ने उहदे वल वेख्या ते उहने नीवी पा ली। उहदे अंदर तार खड़की। संतां ने एक श्रद्धालु नू कहा, दाढ़ी खुशक जी होई पई आ, सामने वह तेल वाली शीशी फड़ाओ जरा ला लीए। रात हनेरा सी। संतां ने कोई कौतक रचाउणा सी, कोई जुगत वरतौणी सी, होर की सी। तेल लाउणा तां इवें बहाना सी। हनेरे विच श्रद्धालु ने तेल दी थां शाही वाली शीशी गलती नाल फड़ा दित्ती। बाबा जी ने हाथे थोड़ी जी पाई, फिर दाढ़ी नू ला के कहन लगे, ये तेल नहीं जापदा, कुछ होर ही आ। वेख्या तो शाही सी। बाबा जी ने हाथ वाली शाही थले डोल दित्ती, हाथ साफ कीता, अपने आप नू संबोधन करके कहन लगे, बुढ़े वारी दाढ़ी नू रंग ला लिया, पहला सारी उम्र चंगा रहा, हुण दाढ़ी रंग ली, बुढ़ा कुकड़, पानी लियाओ दाढ़ी धोईए। वो आदमी समझ गया कि सब कुछ मैनू सिखाउण वास्ते कीता। वो अपने आप नू लाणतां ते फटकारां पा रहा सी, उठ के बाबा जी दे सामने खलो गया, अपनी गलती दी माफी मंगी। भुल बख्शो पिता जी, अगे तो दाढ़ी नहीं रंगांगा, इस बारी माफ़ी दे दिओ जी। बाबा जी ने उन्हें इशारे नाल बिठाता। संगत संतां दियां जुगतां संत ही जानदे। सरदार मान सिंह गौदरपुर रोज़ आप जी दे दर्शन करन जांदे। एक दिन आप दे चरणा ते खिचे हुए रात 2 बजे नंगे पैरी पाठ करते डेरे नूं तुर पए। चित विच संतां नाल जुड़िया होया सी। रात हनेरी सी, राह विच किक्कर दे सापे सन, ध्यान ना दिता। बाणी ते संतां दे प्यार दी मस्ती विच कंडीले छापियां दे उत्तों दी लंघ के डेरे पुजे। बाबा जी दे दर्शन कीते, आप कहन लगे, बच्चू जुत्ती पा के आउणा चाहीदा, जदों तू नंगे पैरी कंडियां दे उत्तों लंघिया उन्हां थावां ते मैनू हथ रखने पए।